जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र से पहले स्पीकर का चुनाव हुआ। जानकारी आपको दे दें कि 10 साल का इंतजार जम्मू कश्मीर विधानसभा ने यहां पर देखा और न केवल जम्मू कश्मीर विधानसभा बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने भी देखा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तरह की तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र और हंगामेदार विधानसभा का पहला सत्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 साल का लंबा इंतजार यहां पर जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर विधानसभा ने देखा। ये इंतजार 10 साल का रहा। सत्र से पहले की अगर बात करें तो स्पीकर का चुनाव यहाँ पर हुआ और फिलहाल हंगामेदार तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। पहला सत्र है लेकिन पहला ही सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार देखने को मिल रहा है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ऑनरेबल मेंबर ने जो आप सुनते नहीं है तो मैं क्या कहूँ, आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र और पहला ही सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार। दस साल के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र और पहला सत्र से पहले स्पीकर का चुनाव हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे की तस्वीरें आप देख भी सकती हैं। सुन लीजिए, उस आंदोलन नगर ने जो भी बात कही है या जो भी लिखे भेजा है मेरे तक पहुंचा भी नहीं है, मेरे तक पहुंचेगा। एग्जाम करूंगा, उनका फलदा हम सब ने यहाँ पर सुनना है। मेहरबानी करके बात करने का मुझे भी 2 मिनट मौका दे दीजिए कि सोलमन ओकेजन पर हमें, आपको तो टाइम मिलेगा, 4 दिन 5 दिन यहाँ पर आती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी, अब तशरीफ रखे, आप टाइम गया, हमारे पास टाइम नहीं है हमारे पास, आप तशरीफ रखे। विधानसभा में पहले ही दिन जोरदार हंगामा, 370 पर प्रस्ताव के खिलाफ हंगामा, जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा और तस्वीरें आप देख सकती हैं। पहला सत्र है, जम्मू कश्मीर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। विधानसभा की तस्वीरें 10 साल के इंतजार के बाद ये सत्र, लेकिन विधानसभा में पहले ही दिन जोरदार हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है। दरअसल 370 पर प्रस्ताव के खिलाफ हंगामा देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर। पीडीपी विधायक ने 370 पर प्रस्ताव पेश करने की कोशिश यहां पर की। वहीद पर्रा ने, जो कि पीडीपी विधायक है, प्रस्ताव पेश करने की कोशिश यहां पर की। बीजेपी ने 370 पर प्रस्ताव के खिलाफ विरोध यहां पर व्यक्त किया, जिसके चलते हंगामा यहां पर देखने को मिला। पीडीपी की तरफ से 370 पर प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की। हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी ऑनरेबल मेंबर के तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के, और फिर ओबिचुरी रेफरेंसेस, क्योंकि हमारे एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, बहुत से और हमारे एक्स मेंबर्स हमारे साथ है नहीं, उसके बाद हम जो है अपना ये सिलसिला शुरू कर लेते। लेकिन चलिए, आपके ही इलेक्शन के बाद आपको मुबारकबाद पेश करने के बजाय हम इसमें पड़ गए। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं। हालांकि मेरे मेंबरों की तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था, मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर्स बोलते हैं
फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस बोलता है। मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस के तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे। लेकिन चलिए थोड़ा सा रिवर्स हुआ और बीच में अब सियासत आ गई। सियासत करना इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस के तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस के तरफ से क्या बात आनी चाहिए। अब छोड़िए, तो देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिर से भारी हंगामा जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर। इससे पहले भी हंगामे की तस्वीरें सामने आई थी, 370 के प्रस्ताव को लेकर हंगामा देखने को मिला था। पीडीपी के विधायकों की तरफ से प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की थी और उसके बाद आपने मुख्यमंत्री को भी सुना और इस तरह से हंगामा एक बार फिर से जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर देखने को मिल रहा है। जानकारी आपको दे दी कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र का आज पहला दिन और पहला ही दिन काफी ज्यादा हंगामेदार देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रही हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की। ये तस्वीरें धारा 370 को लेकर फिर से भारी हंगामा। दरअसल पीडीपी के जो तमाम विधायक है उनकी तरफ से 370 के प्रस्ताव को पेश करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी है वो उसके खिलाफ नजर आ रही थी और ऐसे में लगातार जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। पहला दिन है आज विधानसभा का सत्र का। बड़ी जानकारी आपको दे दे, विधानसभा में पहले ही दिन जोरदार हंगामा, 370 पर प्रस्ताव के खिलाफ हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने 370 पर प्रस्ताव के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। पीडीपी विधायक ने 370 पर प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की, जिसके चलते जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र हंगामेदार देखने को मिला। विधानसभा का ये पहला सत्र का पहला दिन
और पहले ही दिन जोरदार हंगामा। 370 को लेकर यह हंगामा, दरअसल 370 पर प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी ने विरोध व्यक्त किया, तो वहीं पीडीपी के जो तमाम विधायक हैं उन्होंने 370 पर प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर हंगामेदार रही जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र का ये पहला दिन। जम्मू कश्मीर विधानसभा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दी। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र, 10 साल का लंबा इंतजार जम्मू कश्मीर वासियों ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने और जम्मू कश्मीर विधानसभा ने देखा। और उस इंतजार के बाद जब इस सत्र की शुरुआत हुई तो पीडीपी विधायकों की तरफ से 370 पर प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की, बीजेपी उसके खिलाफ नजर आई, जिसके चलते एक बार फिर से जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ा। बड़ी जानकारी आपको दे रही है 370 पर प्रस्ताव के खिलाफ हंगामा, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रही है। 370 पर प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की पीडीपी विधायक, और पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने प्रस्ताव पेश करने की कोशिश यहां पर की थी, हालांकि बीजेपी की तरफ से यहां पर उसके खिलाफ जो है बीजेपी के तमाम विधायक नजर आए। दस साल के इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र, उसका पहला दिन हंगामेदार देखने को मिला। आपको बता दें कि पीडीपी विधायकों की तरफ से 370 पर प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की, और फिलहाल अपडेट आपको दे दें कि विधानसभा की कार्यवाही को फिलहाल के लिए स्थगित यहां पर कर दिया गया है। अपडेट आपको दे रही है इस वक्त का, पीडीपी विधायक ने 370 पर प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की थी, बीजेपी उसके खिलाफ नजर आ रही थी, जिसके चलते यहां पर कार्रवाई को फिलहाल विधानसभा की स्थगित करना पड़ा है।